नमस्कार आप सभी। केवीएस एडमिशन 2024-25 चालू है। यहाँ देखें, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रोसेस कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में यहाँ पर दी जाएगी, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन जो आया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश के लिए समय सारणी आ चुकी है और कौन कौन सी कक्षा के लिए कैसे कैसे होगा पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में। प्रवेश के लिए समय सारणी सत्र 2024-25 प्रवेश के लिए समय सारणी निम्न प्रकार होगी। प्रवेश के लिए विज्ञापन 4th week of March यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में कुल मिला के कहें तो विज्ञापन जारी हो चुका है। 31 मार्च से पहले जारी करने को बोला था लेकिन जारी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 28 तारीख को ही। कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होगा, उसका डेट है 1 अप्रैल 2024 से लेकर यानी मंडे 10 बजे से शुरू हो जाएगा। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 15 अप्रैल 2024 को मंडे को 5 बजे शाम बंद हो जाएगी और उसके बारे में कुछ सूचना दी हुई है कि सभी पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए चयनित जो भी अनंतिम सूची का प्रदर्शन जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आएगी वह 19 अप्रैल 2024 को आ जाएगी और इसमें बाकी जो बचे हुए RT वगैरह बाकी जो जिनको आरक्षित सीट लागू होगी जो भी कैटेगरी लागू होगी उसके लिए यहाँ पर 29/4 को आएगी। इसके बाद जो भी और भी बचे हुए रहेंगे उनको 8 मई को जारी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बाकी सारे कोटा भी शामिल होंगे जो अदर। इसके बाद जो बच्चे खुचे हैं यानी कि जो कक्षा 1 के आवेदन पर्याप्त न प्राप्त हुए बची हुई सीट रहेगी उसका नोटिफिकेशन 7 मई 2024 को जारी होगा और 8 मई 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8 मई से और 15 मई तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद उसकी जो एडमिशन ली जाएगी वह एडमिशन डिस्प्ले जारी किया जाएगा 22 मई से 27 मई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए कक्षा 1 के अलावा अन्य कक्षाओं की भी जानकारी दे देते हैं आपको। कक्षा 1 के अलावा जो अन्य कक्षाओं की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है तो आपको यहाँ दिखा दें कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण यानी कक्षा 1 को छोड़कर कक्षा 2 से कक्षा यानी 9 तक, 11वीं का नहीं हो, 11वीं का तब होगा जब 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा तब। तो कक्षा 2 से 9 तक की जो पंजीकरण होगी जो जिस कक्षा में खाली जगह रहेगा उसी कक्षा में एडमिशन लिया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। कक्षा 2 से कक्षा 9 की जो भी उसकी सूची आएगी 15 अप्रैल को उसकी सूची आ जाएगी मंडे को, ठीक है। इसके बाद उन कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9 की जो परीक्षाओं को प्रवेश होगा 16 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक का उनका एडमिशन होगा और कक्षा 11वीं को छोड़कर सभी परीक्षाओं का जो भी एडमिशन की अंतिम डेट रहेगी वह 29 जून तक सैटरडे यानी जो बचा खुचा रहेगा सब एडमिशन हो जाएगा। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय विद्यालय के जो छात्र हैं जो 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रिजल्ट जारी होने के 10 दिन तक उसका एडमिशन होगा, जो कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होगा उसके 10 दिन बाद तक एडमिशन हो जाएगा और उसकी सूची 20 दिन के अंदर जारी की जाएगी और जो कक्षा 11वीं का एडमिशन होगा वह बाकी जो बचा खुचा रहेगा वो बाद में भी होता रहेगा अगर सीट खाली रहेगी तब। जो उसकी कक्षा 11वीं की अंतिम सूची जारी की जाएगी वो कक्षा यानी रिजल्ट घोषित होने से 30 दिन बाद तक, यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी जो है वो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी और सभी विद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि आप अपने वेबसाइट पर सारी सूचनाओं को यहाँ पर डिस्प्ले करते रहें और अगर किसी पंजीकरण मान लीजिए किसी डेट को लास्ट डेट है और उस दिन छुट्टी है सार्वजनिक अवकाश है तो अगला जो कार्य दिवस है वह स्वीकार होगा। अब चलिए दिखा देते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे एडमिशन होगा। जैसे यहाँ पर सर्च किए KBS एडमिशन 2024-25 तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे, इसी पहले वाले पर क्लिक करें KBS ऑनलाइन एडमिशन, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। देख सकते हैं कि यह पोर्टल विशेष रूप से 2024-25 में भारत में केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए बनाया गया है। कक्षा 1 के प्रवेश के लिए देख सकते हैं अभी पंजीयन पर इस पोर्टल पर पंजीयन शुरू नहीं हुआ है, 1 तारीख से सुबह 10 बजे से पंजीयन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक लिंक आ जाएगी, यहाँ पर यानी आवेदन करें पर लिंक आ जाएगी और आवेदन प्रिंट करें बाकी लिंक यही रहेंगी, ठीक है। यानी आपको इस वेबसाइट से कर लेना है और उसका एक केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का ऐप भी है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में और कक्षा 2 से लेकर कक्षा 9वीं तक के लिए आप स्कूल के नोटिस बोर्ड में जरूर ध्यान दें अपने नजदीकी केंद्रीय विद्यालय। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 चालू है, किस प्रकार से एडमिशन होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।